आपकी एड़ियों में दर्द होता है? जब आप सुबह उठकर अपने पैर जमीन पर रखते हैं तो आपसे अपने पैर जमीन पर रखते नहीं बनता। आपकी एड़ियों में इतना दर्द होता है कि आप खड़े ही नहीं हो पाते। आपका चलना फिरना दूभर हो जाता है। आप थोड़ी देर कहीं एक जगह खड़े नहीं हो सकते। अगर आप अपनी एड़ियों को ऊपर उठा लेते हैं तो आपको आराम मिल जाता है। यदि आप एड़ी को टिकाते हैं तो दर्द और बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि एड़ी में कोई स्विच हो रहा है। बहुत दर्द होता है, कष्ट होता है। यदि ऐसा है और आप चाहते हैं कि इस दर्द को ठीक करें, संभवतः आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिन्हें करने की वजह से आप इस हील पेन से परेशान जूझ रहे हैं। इसलिए आज का वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे ऐसी 5 से 6 समस्याएं या कहें गलतियां जिनकी वजह से आपका हील पेन ठीक नहीं हो पा रहा। साथ ही साथ उन गलतियों को सुधारने के भी तरीके आपको हम बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आपकी पहली गलती हील पेन की, इसे हम कह सकते हैं लैक ऑफ मसल स्ट्रेच। आपकी मांसपेशियां जो पैर की हैं, तलवे की जो मांसपेशियां हैं, जिसे हम प्लांटर फेशिया कहते हैं, कई बार ये टाइट हो जाती है और हम ध्यान नहीं देते कि ये प्लांटर फेशिया टाइट हो रही है। आमतौर पर लोगों को पता ही नहीं होता कि प्लांटर फेशिया नॉर्मल कैसी होती है और टाइट कैसी होती है। इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? टाइट प्लांटर फेशिया को ठीक करने के लिए आप अपने पैरों की सिकाई कर सकते हैं। रात को सोने के पहले गर्म पानी में, गुनगुने पानी में अपने पैरों को डाल के बैठे करीब 20-25 मिनट, उनकी सिकाई करें। कई बार लोग कहते हैं साहब के सेंधा नमक डाल लें, तो हाँ डाल लीजिए, कोई नुकसान नहीं होगा सेंधा नमक डालने से आपको पानी में। टाइट मांसपेशियों से या प्लांटर फेशिया से जुड़ी है आपकी दूसरी गलती, वो होता है फ्लैट फुट। आपने देखा है ना, आपके पैरों में आर्च होते हैं, पैर के अंदर का जो तलवा है या अंगूठे की साइड का जो तलवा होता है वो गोल होता है, उसमें एक गोलाई होती है। यदि आपके तलवे में से वो गोलाई खत्म हो जाएगी, पैर पूरा सपाट नीचे लगने लगेगा, तो इसको हम कहते हैं फ्लैट फुट। इसकी वजह से आपकी एड़ी पर, आपके पैर की तलवे की मांसपेशियों पे अनावश्यक दबाव पड़ता है। कई बार लोगों को इसकी वजह से नौकनी भी हो जाता है। उसके ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है, चैनल पर जाके देख लीजिएगा, लिंक आई कार्ड में है। फ्लैट फुट की वजह से आपके जो एकिलिस टेंडन है वहां भी खिंचाव आ सकता है, वहां भी दर्द हो सकता है, एड़ी में तो दर्द बढ़ ही जाएगा। ये हुई आपकी दूसरी समस्या या कहें दूसरी गलती। यहां पर आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि हम हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को शाम को 6 से 7 बजे इंस्टाग्राम लाइव करेंगे। उस सेशन में जोकर आप अपनी समस्या हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, उनका हल आप डायरेक्टली हमसे पा सकते हैं, इसलिए उस सेशन में अवश्य जुड़िएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके ये बता सकते हैं कि इन सारी गलतियों में से आप क्या गलतियां कर रहे हैं। कुछ मैंने आपको बताई हैं, कुछ आगे बताऊंगा। इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर हम आपको जल्दी रिप्लाई दे पाते हैं, आपसे जल्दी बात हो पाती है। आपको फ्लैट फुट हो रहा है जिस वजह से आपकी एड़ी में दर्द हो रहा है, परंतु कई बार क्या होता है, आमतौर पर लोग घर में नंगे पैर चलते हैं या कहेंगे बैर फुट चलते हैं। देखिए पुराने समय की बात और थी, पुराने समय में क्योंकि मिट्टी का ही फर्श रहता था, आज के समय में घर में लोग टाइल या पत्थर लगवाते हैं। ये जो टाइल और पत्थर हैं ये बड़े हार्ड होते हैं। जब आप हार्ड सरफेस पे चलोगे तो आपके मेटाटार्सल्स या कहें कि पैर के अगले हिस्से में, पंजे में और आपकी एड़ी में अनावश्यक ज्यादा दबाव पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर का मैक्सिमम वजन इन्हीं दो हिस्सों पे आता है, पैर के, एड़ी और पंजे की तरफ। इस वजह से आपकी एड़ी में बहुत दर्द रह सकता है क्योंकि आप चलोगे तो बार बार जब हार्ड सरफेस पे एड़ी पड़ेगी, वो धमक लगेगी, तो वो वहां की जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो मांसपेशियां हैं या प्लांटर फेशिया ही समझ लीजिए, उसे बड़ा बार बार इरिटेट करती रहेगी। रिपीटेड इरिटेशन से वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है या कहें तो प्लांटर फेशियाइटिस होने की एक ये भी वजह होती है। इससे बचने के लिए करना क्या चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाहर के जो फुटवेयर हैं आप उन्हें अंदर अपने घर के ना ले जाएं, तो घर के फुटवेयर अलग रखिए, जिन्हें आप सिर्फ घर में प्रयोग करें। अगर आपको कष्ट हो रहा है तो शूज का प्रयोग करिए, घर में जूते पहन कर रहें, इससे आप अपने एड़ी के दर्द को दूर रख सकते हैं। कई बार क्या होता है, एड़ी के दर्द को दूर रखने के लिए हम अपने पैर की मांसपेशियों को इतना ज्यादा खींच देते हैं, कहीं ओवर स्ट्रेच कर देते हैं, कि उसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, खिंचाव आ जाता है, इस वजह से भी आपकी एड़ियों में दर्द हो सकता है। तो आपको ये चाहिए कि एड़ी के दर्द का सुव्यवस्थित सही इलाज पाएं और अपने पैर की मांसपेशियों को अनावश्यक खींचने का प्रयोग या प्रयास न करें। इससे आपके पैरों में इंजरी हो सकती है, एड़ी में या पंजे में भी दर्द हो सकता है, इसे अवॉइड करें। आपको अगर ये वीडियो यहां तक समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। अगर आप 1500 या उससे ऊपर लाइक करते हैं तो हम प्रयास करेंगे
कि इस टॉपिक पर हील पेन के ऊपर हम डेडिकेटेड एक इंस्टाग्राम लाइव करें जिसमें आप जुड़कर सामने अपनी समस्याएं पूछकर उसका हल पा सकते हैं। इसी तरह से कई व्यक्तियों को या महिलाओं को जो कि हील पहनती हैं उन्हें जल्दी जल्दी चलने की आदत होती है, वो बहुत तेज चलने का प्रयास करते हैं, इस चक्कर में वो अपनी एड़ी को पटक के चलते हैं। कई बार आपने देखा होगा लोग एड़ी को बहुत दबा के चलते हैं, इस वजह से भी आपकी एड़ी पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और आपको हील पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए करना क्या है, करना आपको यह चाहिए कि कोई सॉफ्ट कुशन वाला फुटवेयर पहनिए, अत्यधिक हील पहनने का प्रयास ना करें, अगर पहनना भी है तो कम समय तक पहने। सॉफ्ट कुशन जैसे कि हील जो सिलिकॉन हील आती है वो आप यूज कर सकते हैं अपने फुटवेयर में, या सॉफ्ट फुटवेयर आप पहन सकते हैं और प्रयास करें कि अनावश्यक तेज ना चलें। धीमे चलेंगे तो मैं समझता हूं आपको एड़ी में दर्द नहीं होगा। कई बार एथलीट्स जो कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में रहते हैं उन्हें दौड़ना भागना बहुत होता है और उनके अगर फुटवेयर खराब होंगे या सही आवश्यकता अनुसार वो फुटवेयर नहीं चूज करेंगे तो भी आपको हील पेन हो सकता है। जैसे आप कोई स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं, लॉन्ग जंप हाई जंप है, आमतौर पर लोग क्रिकेट बहुत खेलते हैं, बैडमिंटन बहुत खेलते हैं, तो ऐसे ही किसी भी फुटवेयर में गेम खेलने ना चले जाएं। स्पोर्ट्स के अनुसार वो फुटवेयर चुनिए जो आपको मदद करे चलने फिरने में, दौड़ने में, आपकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उसे अच्छे से परफॉर्म करने में। जर्की मूवमेंट से बचिए ताकि आपकी जो प्लांटर फेशिया है वो इरिटेट ना होने पाए, क्योंकि प्लांटर फेशिया इरिटेट होगी तो अगेन आपको दर्द होगा आपकी एड़ी में। ये तो हो गए आपके हील पेन के गलतियां, मिस्टेक्स। अब अगर आप या आपके आसपास के लोग भी ऐसी गलतियां करते हैं, और आमतौर पर सभी लोग कोई ना कोई गलती इसमें से करते ही हैं, तो उन सभी तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करिए जो कि इसमें से कोई ना कोई गलती कर रहे हैं और हील पेन से परेशान हो रहे हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि हील पेन के कारण क्या होते हैं और इनका इलाज कैसे करें, तो उसके ऊपर आने वाले समय में एक वीडियो आने वाला है, एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है। उसे देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे जब भी वो वीडियो पब्लिश हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से मिल जाए और आप उसका लाभ उठा पाए। यहां तक तो बात हो गई आपके एड़ी के दर्द की, हील पेन की। अब हील पेन के साथ साथ दर्द बढ़ते बढ़ते आपके घुटने तक भी पहुंच सकता है और कूल्हे तक भी पहुंच सकता है। तो अगर आपके घुटने तक दर्द पहुंच गया है तो उसको जानने समझने के लिए राइट वाले वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपका दर्द आपके कूल्हे तक पहुंच गया है तो लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक कर दीजिए।